गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज हम पूना जाने वाले हैं। नहा धो के मस्त रेडी हो गए हैं और सबसे पहले आज जाएंगे अपनी बहन के वहाँ। बहन ने दावत दिया है तो पहले वहाँ खाना खाने जाएंगे, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और आज का पहला वीडियो है, आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो चलते हैं, अभी शाम को निकलना है यहाँ से करीब 5 बजे के आसपास। ठीक है, ये हमारी गाय का बच्चा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। बाय बाय। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के पीछे का पूरा व्यू है। देखें गाइस, पूरा बाग है। गाइस ये देखें, गांव में विकास हुआ है, अभी पानी का नल लग रहा है। तो ये हमारा भी पाइप है, आज से पानी शुरू हो गया है, अभी नल लगाना बाकी है इसका। आयशा आयशा, आज पापा जा रहे हैं। गाइस ये मेरी बेटी है, कितनी क्यूट है, देखिए आज जा रहे हैं। चल जल्दी, अभी हम निकल लिए हैं जल्दी। सबसे पहले जाके दावत खाएंगे, बहन जो वहाँ मुलाकात भी कर लेंगे। आ गए हैं गाइस बहन के यहाँ घर पे, और अभी मुलाकात भी किए हैं और अभी खाना वाना बनेगा। और आज गाइस बहन के यहाँ बैठे बैठे तो काफ़ी टाइम हो गया है, उतने में अजान होने लगी, जुम्मा का वक्त हो गया है, अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये है मेरा भांजा आरिस, अच्छा लगा है। बना ये देखें गाइस, आज का खाना ये मस्त खीर है, ये आलू के पराठे, दोनों एक साथ खा रहे हैं, क्या मज़ा आता है। अभी यहाँ पे खाना पीना हो गया है, मस्त खाना हुआ, अभी जा रहे हैं घर पे। नेवता खा जाती हो? खा आए। तो गाइस फाइनली हम घर पे आ गए हैं, सामान को पैक करते हैं और चलते हैं। बैग खोल, खाना रखियो मैं दे। अरे गिर जाएगी, लंबी होती ये, गिरी अम्मा। तरकारियाँ रखो, तरकारियाँ इधर। अरे ऐसे खुल जाएगी वो, एक पन्नी और दे बड़ी के। हाँ रुमाल रखी, सारा सामान रेडी हो गया है, अब तैयारी पूरी फूल है, चल रहे हैं। ये सूट केस है, नो चल चल चली बाजार, देखो अगर चप्पल पहनाओ पहना दे ले। बापरे गिर गाड़ी। यहाँ तक हम अपनी बाइक से आए हैं, ये हमारे गांव की बाजार है, जो छोटा भाई को छोड़ने के लिए आया। और अब यहाँ से हम जाएंगे ऑटो से, हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं कुछ इस तरह से, सारे ऑटो लगे हुए हैं, इसी से हम जाएंगे स्टेशन। फाइनली गाइस ऑटो मिल गया है, अभी जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। अभी लाल बस। फाइनली गाइस 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटा हो गया है, अब जाके इलाहाबाद पहुंचे हैं। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, ऊपर से जाम भी लगा हुआ था, काफ़ी टाइम लग गया है।
अभी सिविल लाइन बस स्टॉप पे हैं और अभी छिपकी जाने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई साहब, तो फाइनली गाइस ऑटो मिल गया है छिपकी के लिए। अभी हम इलाहाबाद छिपकी जाएंगे स्टेशन पे और वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो फाइनली गाइस हम प्रयागराज छिपकी पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे स्टेशन देख चुके हैं प्रयागराज छिपकी। टाइम पे आ गए हैं लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है कि ट्रेन काफ़ी लेट है, 3 घंटे ट्रेन लेट है। अभी हमको 3 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा, 3 घंटे की वेटिंग यहाँ पे रहेगी, उसके बाद जब ट्रेन आएगी आगे का सफ़र शुरू करेंगे। 3 घंटे की वेटिंग के बाद अभी हमारी ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो चुका है और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। तो हम अंदर आ गए हैं गाइस। इस समय हम कटनी जंक्शन में बैठे हुए हैं। सुबह 5 बजे ट्रेन यहाँ पहुँची थी, अभी 8:15 हो गया है इस समय। अब जाके आप कटनी पहुँचेंगे। इस वक्त ट्रेन 6 घंटा लेट है, इस ट्रेन 10 घंटे लेट है। अभी शाम के 9 बज चुके हैं, यानी रात के 9 बज गए हैं और अभी भी ट्रेन भुजावल पार की है 10 घंटे से ऊपर। तो हमने खाना बुक किया है और खाना भी आया है। खाने में ये है, ये दाल है, ये सब्जी है, चावल, ये शायद सांभर है और ये कुछ छोटा सा ये मीठा है सोन पापड़ जैसा। और यहाँ पे 3 रोटियाँ हैं। तो ये हमने खाना बुक किया, अभी खाना खा के सो जाएंगे। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम 8 बजे जा कर के पूना पहुँचे हुए हैं। 12 घंटे लेट ट्रेन थी, सुबह के 8 बजे यानी कि 36 घंटे में पहुँचाई है। अभी लोकल टिकट लिया है और अभी लोकल से जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक। आप लोग ऐसी ट्रेन से कभी नहीं आइए, समर स्पेशल ट्रेन कभी भी चले उससे आप ना आएँ, इससे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये ट्रेनें अक्सर से लेट हो जाती हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ऐसी ट्रेनों में टिकट लिया तो बहुत लेट हो जाती हैं, तो आप लोग इससे ना आएँ ज़्यादा बेहतर है। तो हमने ये लोकल का टिकट लिया है, ये देखिए टिकट, और अब चल रहे हैं लोकल की तरफ। लोकल टिकट तो ले लिया था पर लोकल है नहीं, तो अभी हम मेट्रो से जाएंगे। तो हम पूना मेट्रो में आ गए हैं और टिकट भी ले लिए हैं, जा रहे हैं। तो गाइस हमने टिकट लिया था लोकल ट्रेन का लेकिन लोकल है नहीं, लोकल 9 बजे है। तो अभी हम मेट्रो से जा रहे हैं। ये रहा मेट्रो स्टेशन पुणे का, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मेट्रो से जाएंगे। तो गाइस मेट्रो आ गई है। गाइस पूना मेट्रो में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ ना, थोड़ा सा मतलब जानकारी नहीं थी लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि पूना स्टेशन से बीच में चेंज भी करना था, थोड़ा सा घूमना पड़ा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस एक चीज़ मैंने देखा ट्रेस में मेट्रो में कि पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा खाली पड़ा। सामने देख लीजिए पूरा खाली, सिर्फ इस साइड में 2-4 लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए, बाकी पूरी मेट्रो खाली है। गाइस मेट्रो के अंदर यहाँ पे मैप दिखाता है अगला स्टेशन कौन सा है, ये देखिए। हमें उतरना है PCMC यानी कि पिंपरी सिंचोड़, ये देखिए, यह पूरा मैप दिखाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का व्यूज है, ये देखिए मस्त मज़ा आ रहा है। फाइनली गाइस आ गए अपनी जगह तक, मेट्रो से उतर गए हैं और अब हम ऑटो से अपने रूम पे जाएंगे। तो आज का ब्लॉग ही ख़त्म करते हैं।